आज 5 राज्यों के मतगणना के रुझान जो है लगभग लगभग साफ है। इसी पर चर्चा करते हैं वीरेंद्रनाथ भट्ट जी से और जानेंगे कि बीजेपी तो 3 स्टेट में लगभग सरकार बना रही है, 2 में कांग्रेस की बढ़त बनी है, लेकिन आने वाला 24 कैसा रहेगा और क्या रिजल्ट रहेगा, इसी पे बात करते हैं। तो क्या प्रश्न है आपका? सर, ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं इसमें बीजेपी लगभग लोग 3 स्टेट में सरकार बना रही है, 24 को देखते हुए इसको क्या कहें? 24 की बात पर आते हैं, लेकिन सबसे पहले तो जो बात उत्तर प्रदेश और हिंदी बेल्ट के लिए जो बात सबसे ज्यादा प्रासंगिक है कि यह चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव के लिए ये परिणाम खतरे की घंटी है। आपको मालूम है कि 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी, उसके बाद से उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति आधारित सामाजिक न्याय की राजनीति का जन्म हुआ था और उसमें लालू यादव बिहार में और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में बड़े नेता बन के उभरे थे और लगभग 3 दशक से अधिक इन दोनों दलों ने बहुत प्रभावी भूमिका निभाई है इन दोनों राज्यों में और लंबे समय तक शासन भी किया है। और 3 दशकों बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों और अति पिछड़ों में अपने जन आधार अपना समर्थन बढ़ाया है, उससे उत्तर प्रदेश और बिहार की जाति आधारित समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के सामने लगभग अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया था। तो इन्होंने फिर अपनी इस जाति आधारित राजनीति को में नई जान फूंकने के लिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने PDA का नारा दिया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और बिहार से नारा दिया गया जाति जनगणना, कास्ट बेस्ड सेंसस, और बिहार में जाति जनगणना हो भी गई। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में लखनऊ में समाजवादी पार्टी की ओर से स्वयं प्रसाद मौर्य ने रामायण को लेकर के रामचरितमानस को लेकर के विवाहित बयान देने शुरू किए और बिहार में उनके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने इस बारे में विवादित बयान दिए। तो ये बाकायदा एक नई फॉल्ट लाइन क्रिएट करने का और जातिगत आधार पर गोलबंदी को मजबूत करने का जो उनका प्रयास था, उसके लिए ये चुनाव के नतीजे जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आए हैं ये खतरे की घंटी है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये कहा था कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में फैसला होगा जाति की जनगणना का, तो वहां की जनता ने तो इसको नकार दिया है। और अगर हम उन्हीं के फार्मूले के हिसाब से देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में दलित पिछड़े आदिवासी वर्ग का ही प्रचंड बहुमत है और इन्हीं 3 राज्यों ने जाति की जनगणना के नारे को नकार दिया। और जैसे हम ये जानना चाहेंगे कि तीनों स्टेट में जो वोट परसेंट रहा बहुत बढ़िया रहा, क्या इसका मॉडल रहा कि जो बीजेपी को फायदा हुआ? देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में परंपरागत तरीके से वोटर टर्नआउट उत्तर प्रदेश से ज्यादा ही होता है। यूपी में तो 60% बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में यह 70 या 75 या 70 तक जाता है। तो वोटर टर्नआउट से तो ये बात स्पष्ट हो रही थी कि बहुत ही कांटे की लड़ाई है, दोनों तरफ से मतदाता जो है ताल ठोक के मैदान में जुटे हैं, लेकिन जिस तरीके से परिणाम सामने आया है खास करके छत्तीसगढ़ का, वो बहुत चौंकाने वाला है। और कांग्रेस का, और कांग्रेस जिस तरीके से पिछड़ रही है, सारे जो एग्जिट पोल हैं और सारे जो चुनाव के पूर्वानुमान हैं, सबका ये मानना था कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा करने वाली है। जैसे अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ाया था, प्रचार भी बहुत तेज किया था, इसका रिजल्ट उनको कहीं कुछ नहीं मिला। इससे एक बात तो ये साफ है कि अगर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से एक सम्मानजनक भाषा में बात की होती और अगर वो 26 सीटें मांग रहे थे और 8 या 10 सीटें आपने दे दी होती तो कांग्रेस का इससे अवश्य लाभ होता। कांग्रेस ने सीटों का बंटवारा करने के बजाय अखिलेश यादव के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। आपको ध्यान होगा कमलनाथ ने कहा था अखिलेश अखिलेश छोड़ो, तो इससे इसका भी कांग्रेस को अब नुकसान झेलना पड़ा है। और इन 3 राज्यों, हिंदी बेल्ट के इन 3 राज्यों के चुनाव परिणाम से एक बात तो साफ हो गई है कि इंडिया अलायंस जो है अब केवल बच गया तेलंगाना की वजह से। अगर तेलंगाना में भी अगर कांग्रेस की सरकार ना आती तो इंडिया अलायंस का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता
और उसका जो है 24 में क्या होता ये तो भविष्य गर्भ में, लेकिन 2024 के लिए इंडिया अलायंस का जो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था जातिगत जनगणना, वो इस चुनाव में बुरी तरह पिट गया है। नहीं नहीं, जैसे अभी विधानसभा सत्र चल रहा था और इसमें ये मतलब पार्टी के विपक्ष के लोग मांग कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना हो। शिवपाल यादव ने यहाँ तक कहा जाए कि केशव मौर्य जाति मतलब जो विशेष के हैं ओबीसी और एससी वर्ग के दुश्मन है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, वो उत्तर प्रदेश में काम करेगा? मैंने आपसे कहा ना कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश और बिहार के जातिगत राजनीति करने वाले लोग जो अपने को समाजवादी कहते हैं, ये उनके लिए खतरे की घंटी है कि 2024 के चुनाव के लोकसभा चुनाव के पहले ही जिस मुद्दे को वो 2024 के चुनाव के लिए ब्रह्मास्त्र मान के चल रहे थे, वो मुद्दा इन तीन राज्यों में बुरी तरह पिट गया, बल्कि तेलंगाना में भी पिट गया क्योंकि कांग्रेस ने इसको मुद्दा तेलंगाना में भी बनाया था, तो ये मुद्दा वहां भी नहीं चला। तो इंडिया अलायंस के लिए ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है जो जो ये तीन राज्यों के चुनाव परिणाम है। और ये भी अब इसका असर ये पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का नजरिया का रुख कांग्रेस के प्रति अब पहले से ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। और कांग्रेस के लिए इसमें यह भी सबक है कि राहुल गांधी पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लगातार अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूंगा गाली दे रहे हैं। उन्होंने इस चुनाव में फिर यही दोहराया और उन्होंने गुजरात में अहमदाबाद में विश्व कप क्रिकेट के फाइनल के में इंडिया की हार के बाद प्राइम मिनिस्टर को पनौती कहा, इसको लोगों ने अच्छा नहीं माना। ये